हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता ही है, मैं पावर बीआई हम स्टार्ट कर रहा हूँ। एक वीडियो भी मैंने डाला है डेमो के लिए और धीरे धीरे उस पर भी वीडियोस डालूंगा, तो आई होप कि वो वीडियोस भी आपको जरूर पसंद आएंगे। अभी फिलहाल देखिए, एक वीडियो मैंने बनाया है अभी कुछ देर पहले डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि शॉर्टकट की का प्रयोग करके मैंने बताया है, और अगर मान लीजिए कि ये तो छोटी सी रेंज है ना, अगर मान लीजिए यहां तक आपको डिग्री सेल्सियस लिखना हो तब आप क्या करेंगे? तब तो एक एक बार शॉर्टकट की दबाते रहेंगे और लिखते रहेंगे, तब तो बड़ा टाइम लग जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था यहाँ लिखना है सेल्सियस, तो आपको क्या प्रेस करना है? ऑल्ट के साथ 0176 प्रेस करना है, न्यूमेरिक बटन प्रेस करना है। ये बात ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिक की प्रेस कीजिएगा, ठीक है। एक होता है अल्फा न्यूमेरिक की, तो वो एबीसीडी जो लिखा रहता है, क्वेरिटी लिखा रहता है जो एबीसीडी वाला रहता है, उसके ऊपर ही दिया रहता है, तो वो आपको बटन नहीं प्रेस करना, साइड में दिया होता है राइट साइड में न्यूमेरिक की, वो वाला बटन प्रेस करना है। तो ऑल्ट 0176 प्रेस कीजिए, तो देखिए यहां पर डिग्री का साइन आ गया। आप सेल्सियस सी लिख दीजिए तो ये हो गया डिग्री सेल्सियस। अब फिर यहां पे मान लीजिए 6.6 डिग्री सेल्सियस लिखना है, तो फिर आप प्रेस कीजिए ऑल्ट 0176 करना है, ठीक है। तो आपको बार बार ये ऑल्ट के साथ 0176 प्रेस करना पड़ेगा। 6.6 था तो ये देखिए 6.6 डिग्री सेल्सियस ये आ गया ना। लेकिन ये कितनी बार आप प्रेस कीजिएगा, प्रॉब्लम है ना। तो इसको आप मिटा दीजिए, ठीक है, और वो रेंज सेलेक्ट कर लीजिए जहां तक आपको डिग्री सेल्सियस लिखना हो, ठीक है। ये मान लीजिए यहां तक, जहां तक हमने बनाया है वहां तक ले लेते हैं, ये सेलेक्ट कर लिए। अब आपको फॉर्मेट सेल्स ओपन करना है, तो आप शॉर्टकट की का प्रयोग करके भी ओपन कर लीजिए, नहीं तो यहां पर राइट क्लिक करेंगे तो यहीं पर दिखाई पड़ेगा फॉर्मेट सेल्स। यहां पर आ जाइए, यहां पे चले जाइए, ठीक है, और ये जो जनरल लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए, ठीक है, और यहां पे प्रेस कीजिए हैश, ठीक है, और अब प्रेस कीजिए ऑल्ट 0176। क्या प्रेस करना है? ऑल्ट 0176, तो यहां डिग्री का साइन लग जाएगा, देखिए लग भी गया है, और अब ओके प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अब यहां पर कुछ लिखते हैं, फिर यहां 6 डिग्री आ गया, यहां 6 डिग्री आ गया, तो यहां पे बार बार आपको डिग्री लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए यहां पर आ गए, यहां पर आए, ये लिख दिया हमने, इसको हटा दीजिए, ये गड़बड़ हो गया। ये देखिए 9 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 8 डिग्री हो गया, 13 डिग्री हो गया, तो लिखते जाइए ना, अब ये लिखता जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं सेटिंग, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।